हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड क्राफ्ट। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं पोर्टरोनिक्स का रफ पैड, जो कि रिराइटेबल एलसीडी पैड है। आप इस पर लिख सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, सब कुछ है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको परचेज करने के लिए हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे देंगे, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। इसकी पैकेजिंग को बहुत अच्छा कहेंगे हम। आपको इसके साथ इसका एक कवर भी मिलेगा, जिसमें आप इजीली रख सकते हैं। इसमें यहाँ पे एक पेन है, जिसे हम आराम से लिख सकते हैं, ईजिली लिखा जा सकता है उस पेन से। कहीं कहीं आपको दो भी मिलते हैं, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, यहाँ पे एक ही है। अब इसको खोलने के लिए जैसे हम लोग राइट स्वाइप करते हैं, वैसे ही अपनी फिकर को ऐसे राइट की तरफ स्वाइप करना है, ऐसे। फिर से देख लेते हैं, ऐसे करके राइट स्वाइप करना है, और वैसे ही लगाने के लिए लेफ्ट स्वाइप करना है। अब हम इसकी बैटरी की बात कर लेते हैं। लिखने से पहले हम बैटरी को देखते हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप ये सब ये देख रहे होंगे, इसमें एक कवर टाइप का लगा हुआ है, जो कि बैटरी के ऊपर है। अगर हम अभी यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, जैसे अभी हम लिख के दिखाते हैं आपको, कुछ भी लिखते हैं, वो डिलीट बटन से डिलीट नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि जो ये बैटरी है, उसके ऊपर ये कवर टाइप का लगा है, जिसे हमें हटाना है। तो हम सिर्फ इसको खींच लेंगे और ये हट जाएगा। ये देखिए, ये कवर ऐसा है। अब हम इसको इरेज कर सकते हैं आसानी से। देखिए, ये डिलीट का बटन दबाया और ये इरेज हो गया पूरा। इस पेन से हम वैसे तो किसी चीज़ से भी लिख सकते हैं इसमें, लेकिन इस पेन से लिखें तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि ये इसी पर्पज़ के लिए इसको बनाया गया है। अब हम इसकी बैटरी की बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे डिलीट बटन के कॉर्नर साइड में है। इसको ऐसे खोलते हैं, निकालते हैं। यहाँ पे एक टाइप का ये बैटरी दी गई है, जिससे डिलीट वर्क करता है। अगर हम बैटरी नहीं लगाते हैं तो हम लिख तो सकते हैं, लेकिन डिलीट नहीं कर सकते। सिर्फ ये डिलीट के लिए होती है, तो डिलीट हम इसी से करते हैं। अब हम इसके मैग्नेट की बात कर लेते हैं, जो कि पीछे साइड में दिया है। अब इसके थ्रू हम किसी भी मेटल में इसको आराम से टांग सकते हैं, या फिर चिपका सकते हैं, और आराम से वर्क कर सकते हैं अपना। अब देखिए, मेन इसका डिसएडवांटेज जो हमें समझ आया है, वो ये है कि अगर हमने इतना सब कुछ लिखा है इसमें, और हमको सिर्फ लास्ट का ये टी हटाना है, यानी कि हमें पूरा नहीं हटाना है, ये लास्ट का टी हटाना है, तो हम डिलीट का बटन ही दबाएंगे, क्योंकि ऐसे तो इरेज करने के लिए कोई इरेजर तो दिया नहीं गया है। तो डिलीट करने के लिए हम लोग ये सिर्फ डिलीट वाला बटन दबाएंगे, तो जो ये डिलीट करेगा तो वो पूरा कर देगा, एक सिंगल अल्फ़ाबेट या सिंगल वर्ड को ये डिलीट नहीं करता है। अब रिव्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो रिव्यूज़ में हम इसको देंगे 10 out of 7, क्योंकि ये प्राइस वाइज बजट में है। आप लोग इसको आराम से इजीली परचेज़ कर सकते हैं। कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है मेनली,
और बाकी तो बच्चे पढ़ाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक चिल्ड्रंस को स्लेट वगैरह देते थे पहले, तो अब ये दे सकते हैं, ये नया मॉडर्न ज़माने में ये बहुत अच्छा है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, हमने तो अपने तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, और अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं।